तो आज की हमारी इस ऑनलाइन में ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एक्सेल, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एक्सेल। और हम पहले बात करेंगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। तो मैं ओके हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात जानिए कि हम डेट एंड टाइम को लिखेंगे कैसे, टाइप कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर। जी देखिए, डेट टाइम के कई फॉर्मेट होते हैं, डी डी एम एम वाई वाई, एम एम डी डी वाई वाई, वाई वाई एम एम डी डी। ये क्या होता है, लिखने का तरीका होता है कि पहले क्या लिखा है, समझे? जैसे कि जनरली यूएस और यूके का फॉर्मेट होता है हमारा एम एम डी डी वाई वाई। जैसे आज की डेट लिखना है तो आज तारीख है 10/9/2019। तो मैं अक्टूबर का महीना 10 डालूंगा, मैं 9 डालूंगा। ईयर करेंट है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है। ओके प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के लिए, आप फ्यूचर ईयर के लिए आपको ईयर डालना पड़ेगा। तो डेट, ओके लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह से होता है 09 डॉट, इस तरह से। डेट नहीं रहा, इस तरह से टाइप करोगे तो डेट नहीं। जैसे आप टाइप करते हो तो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट होता है। अगर इसकी फॉर्मेटिंग को जर्नल करो, यहाँ से कस्टम से जर्नल कर, तो यहाँ दिखेगा एक नंबर। इस नंबर के बारे में जानेंगे क्या होता है। बेसिकली जो नंबर है, ये नंबर है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर कैलेंडर। आपकी जो कंप्यूटर कैलेंडर जो स्टार्ट हुई है वो ये 1st Jan 1900 से, ओके। और वहां से ये जो डेट लिखा उस दिन तक की नंबर ऑफ डेज है। कि सिस्टम जो है आपकी डेट को डेज में स्टोर करता है, लिखते हैं डेट, स्टोर करता है डेज में। ओके। इसके दो कारण। पहले कारण है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टैक्स डाल दिया तो उसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, जी टैक्स ही माना जाता है। जी समझे? जी जी दूसरा कारण, ये दूसरा कारण था इसको कैलकुलेशन के लिए। जब हम इसको डेट, अगर डेट फॉर्मेट में है तो इसमें इजीली से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 9 अक्टूबर में कैलकुलेशन नहीं हुई, एक कैलकुलेशन हुई है 43,747 में। रीजन अक्टूबर नहीं आया है, आपका आया हुआ है 43,767। जी अगर इसमें हम डेट का फॉर्मेट लगाते हैं ना, तो 31 के बाद महीना, 265 के बाद साल, इस तरह से चेंज करके डेट बना। जी डेट का फॉर्मेट में आ गया। जी अब टाइम को समझिए, टाइम भी सेम डेट की तरह ही होता है। ओके जैसे हमने टाइम डाला तो आपने टाइम लिखा, तो टाइम लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले आवर को लिखो, सेमी कोलन मिनट लिखो, सेकेंड है तो लिखो, नहीं तो बाद में हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे, वो आप 10 बजे आपने डाला तो डायरेक्ट वो एएम ले लिया, मुझे 10 बजे PM चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्पेस PM लिखना पड़ेगा, फिर वो 10 PM लेगा। उससे अच्छा है कि आप 24 आवर वाला जो मेथड है उसको अपनाओ, फिर 22:20 क्या जी। इसके फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट्स है, ये तो जानते होंगे ना फॉर्मेट्स। जी यहाँ डेट में, टाइम में फॉर्मेट्स है, क्लियर है जी सर? ये 30-37 वाला ये क्या होता है, ये नहीं मुझे पता है। क्या बताता हूँ आपको, जैसे कि आपके पास किसी का आपने कैलकुलेट किया है आवर, जो कि 100 घंटे 200 घंटे हो, अगर एक गलती से जनरल हो गया तो इस तरह से हो जाता है। अब इस अगर आपने 37 के अलावा कोई और फॉर्मेट रखा तो क्या हो जाएगा, वो आपको 24 से ऊपर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ए वन के बाद एक दिन हो जाता है। ओके तो उसको देखने के लिए आपको 37 ही यूज करना पड़ेगा।
तो पहले समझ के टाइम जो होता है वो डेसिमल्स में होता है। अगर टाइम को अगर आप जनरल वर्ड में करेंगे तो डेसिमल हो। जैसे वो 24 आवर बनता है वैसे हो जाता है वन। 24 आवर इक्वल टू वन, इट मींस वन डे। ओके समझ गए। अगर आप डेट एंड टाइम लिखते हैं, जैसे हमारे पास नाउ का फॉर्मूला होता है जो कि डेट एंड टाइम दोनों लिखते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टुडे का, टुडे का फॉर्मूला करंट सिस्टम डेट देता है और हमेशा करंट सिस्टम डेट देता है। जैसे कि अभी हमने डाला तो आज 9 दिख रहा है, कल ओपनिंग करूंगा तो 10 दिख रहा है जी, तब चेंज होता है। एक होता है नाउ का फॉर्मूला जो डेट और टाइम दोनों देता है। ओके ठीक है। डेट एंड टाइम को अगर आप एक करोगे जनरल फॉर्मेट में तो डेसिमल आएगा। तो जो नंबर्स है इट्स योर डेट, जो डेसिमल्स है इट्स योर टाइम। ओके तो डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टी समझ में आ गया जी। अकल में तो समझ लिया। अगर मान लीजिए कि किसी डेट में कुछ दिन जोड़ने हैं तो कुछ भी करना है उसमें आप प्लस वो दिन जोड़ दीजिए सिंपल सा जी। दो डेट के बीच में कुछ दिन घटाने कितने दिन हुए हैं तो आप लेटेस्ट डेट में से माइनस कर दे ओल्डेस्ट जी। ठीक है जी सर। तो जस्ट जैसे आप नॉर्मली माइनस कर सकते हैं, इस तरह से डेट में भी हो सकता है लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, और प्लस करना है आपको प्लस कर। ओके तो आप देखते हैं कि आपके लेक्चर में डेट एंड टाइम पे क्या क्या दिया हुआ है। हमने नेम मैनेजर को पढ़ लिया था। चलिए टाइम, ये आपका टाइम है, ये बोल रहा है आपका अराइंग द सीरियल नंबर टाइम्स फ्रैक्शन द 24 आवर, फ्रैक्शन 24 आवर से घटाना है क्या इसको फ्रैक्शन ऑफ। तो इस टाइम को समझाया हुआ है सर आपको, जैसे मैंने आपको समझाया है ना सर, कोई होता है जी नंबर्स को न्यूमीटर्स को उसने 24 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे कि ये आपका 12 एम है तो 0 है और न्यूमेरेटर 24 है और फ्रैक्शन 0 होगा। अगर हमने 1 कर दिया तो 24 है तो 1/24 हो गया। मैं 2 कर दिया तो 1/12 हो गया। फ्रैक्शन में समझाया हुआ है, अब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। टाइम को इस तरह से उसने एक्सेल ने कैलकुलेट किया हुआ है कि 24 आवर होते ही वो 1 हो जाएगा और कोई भी टाइम हुआ तो डेसिमल्स में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। ओके टाइम में कैलकुलेशन में देखिए, जैसे कि ये आपका टाइम है जी, टाइम को समझाया तो आपके पास एक टाइम का फॉर्मूला होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि उससे पहले दो फॉर्मूले और सीखिए ठीक है। जैसे मैंने आज का टाइम, अभी का टाइम, नाउ ये टाइम लिख दिया है, नाउ नाउ है ना अभी का टाइम हमारा। तो मुझे इसमें से अब तीनों डेट एंड टाइम दोनों को समझिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक डे का जो कि इसमें से डे को स्ट्रैक करता है, एक फॉर्मूला होता है मंथ का जो कि इसमें से मंथ को अलग करता है, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ईयर का जो कि ईयर को अलग करता है। उसी तरह से आवर के लिए हमारे पास आवर का फॉर्मूला होता है जो इसमें से आवर को अलग करता है, मिनट के लिए हमारे पास मिनट का फॉर्मूला होता है जो कि मिनट को अलग करता है, और एक हमारे पास सेकंड का फॉर्मूला होता है जो कि इसमें से सेकंड को अलग करता है इन द नंबर फॉर्मेट। ओके ठीक है जी। अब मुझे यहां पे डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे कंबाइन करना है। एक तो हुआ कि हमने स्ट्रैक कर दिया नंबर्स में,
लेकिन नंबर्स में मिले ही है, मुझे उसको आपस में कंबाइन करना है जी। तो डेट को कंबाइन करने के लिए हमारे पास डेट का फॉर्मूला होता है, ईयर मंथ और डे, और टाइम के लिए हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है कि टाइम आवर मिनट एंड सेकंड। तो टाइम का तो उतना खास नहीं होता है, टाइम को इन दिनों का यूज क्या होता था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सिस्टम फॉर्मेट है DDMMYY, मेरा पहला मंथ है, दूसरा डेट है, तीसरा ईयर क्या। लेकिन बहुत सारे जगहों में फॉर्मेट होता है MMDD नहीं, DDMYY। मतलब अभी हम जनरली यूएस यूके और इंडिया में फॉर्मेट होता है MMDDYY, लेकिन इंडिया में, नेपाल में और बहुत सारे कंट्री में होता है DB/MM/Y। Okay. इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ 9 अक्टूबर इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 10 जी सितंबर। नहीं सर, 9 नहीं, ऊपर वाला मंथ नीचे वाला डेट बन जाएगा, तो नौवां महीना तो 10 सितंबर ही होते हैं ना जी। जी 10 सितंबर हो जाएगा ना जी। ऐसे ही अगर आपने भेजा 1 दिसंबर, वहां हो जाएगा 12 जनवरी। एक डेट पे चला मंथ आ जाएगा, डेट मंथ का सेट कर लेगा जी। तो अब जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, चाहे उनको किसी प्रॉब्लम हो रही है, वो डेट कैसे भेजे, समझ रहे हैं सर जी। तो कंफ्यूजन होने के चांसेस हमेशा रहेंगे, तो उस समय हमने बोल उस समय हम यूज करेंगे डेट फॉर्मूला। हम बोलेंगे 2019 है और मंथ में हमने बोला कि 10 है और डे बोला हमने 9 है। अभी किसी भी फॉर्मेट पे जाएगा तो रहेगा हमारा 10/9 अक्टूबर जी। क्लियर है? और टाइम की बात करें, जैसे मुझे मान लीजिए कि 10:20 है हमारे, मुझे इसमें 30 मिनट ऐड करना है, तो 30 मिनट अगर हमने टाइम फॉर्मेट में ले लिया तो हम इसको इजीली ऐड कर सकते जी। बट 30 मिनट इन द नंबर, क्योंकि सिस्टम बोलता है 1 = 24 आवर जी, ये तो 30 × 24 आवर, समझ रहे हैं ना जी। जी जी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसमें प्लस करेंगे टाइम, टाइम में बोलेंगे कि आवर 0 है, मिनट 30 है और सेकंड 30 है, 0 है, तब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है। ओके, तो टाइम और डेट फॉर्मेट, तो यही आपके इसमें ही बताया गया है कि टाइम फॉर्मेट से किस तरह से डेट को लिखा जा सकता है, और इन्होंने आवर मिनट सेकंड के लिए फॉर्मूला जो है बताया हुआ है यहाँ पे, लिखा है टाइम आवर मिनट से। एक फॉर्मूला इन्होंने टाइम वैल्यू के बारे में बताया है, अब चलिए टाइम वैल्यू के बारे में भी आपको हम बता लेते हैं क्या होता है। अब टाइम को अगर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया जी, टाइम तो रहा नहीं जी, सिंगल कोट लगा दिया तो टेक्स्ट एबीसीडी हो गया जी, किसी भी तरह का फॉर्मेट का कोई ये नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि दो तरीके हैं, खैर तो मैं टाइम वैल्यू फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दूं जो कि इसको कन्वर्ट करते जी, या फिर मैं इसमें प्लस जीरो या मल्टीप्लाई बाय वन कर दूं, समझे जी। प्लस जीरो करने से कोई रिजल्ट बढ़ेगा, मैं उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होंगे जी, वन रिप्लाई वन करने से चेंजिंग नहीं होंगे, लेकिन हमारा कन्वर्ट। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ, उन्होंने बोला है यहाँ पे एक आंसर वाले से भी चलते चलिए आंसर, उन्होंने बोला है कि स्टार्ट टाइम ए है, एंड टाइम ए है, लंच इतने घंटे का, तो वर्क आवर कितना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, माइनस करेंगे सर,
हम बोलेंगे एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम माइनस लंच टाइम जी, इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 24 आवर कर रखा है जी, 24 आवर उन्होंने क्यों किया है? हमने सिंपल किया एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, जो टाइम आएगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा लंच टाइम, माइनस हो जाएगा लंच टाइम, माइनस हो जाएगा जी। अच्छा इसके बाद इस पे अगर मैं टाइम का कॉमेंट लगाता हूँ, 7 घंटे आ रहा है ना, सही है सही है सही है। इन्होंने क्या किया हुआ है नहीं समझे, ये जो ये इन्होंने नंबर फॉर्मेट में कर दिया है, ये टाइम फॉर्मेट में है ना हमारा सर जी, इन्होंने नंबर फॉर्मेट में कर दिया, डेसिमल है ना हमारे, तो सिंपल सी बात है डेसिमल में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 24 मैंने कर दिया और इसको जनरल फॉर्म में, ठीक है सर जी, और इसको डन कर दिया। वो मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या था कि इनको टाइम फॉर्मेट में लाना, सॉरी नंबर फॉर्मेट, बट रखेंगे तो इसकी कोई, अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम डेट का है, हमने 10 माइनस कर लिया जी, समझ गए जी सर। तो लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आज आज हमारा है मान लीजिए कि 9 अक्टूबर और मैं आज दोपहर के 2 बजे मैं गया ऑफिस, ठीक है जी, और मैं अब 2 बजे जाऊंगा तो जरूर मैं रात को लेट नाइट आऊंगा, लेट नाइट डेट चेंज जी, तो हम टी माइनस माइनस कर सकता सर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपको डेट एंड टाइम को प्लस करना पड़ेगा। ओके, हमने क्या बोला था, डेट जो होता है वो नंबर होता है जी, और टाइम हमारा डेसिमल होते हैं जी सर। तो अब 10 अक्टूबर का डेट तो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना जी, तो अब मैं डेट एंड टाइम को प्लस किया, उसमें से लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम को करूंगा, तो रिजल्ट जी सर। एक चीज आपके कुछ सिलेबस में नहीं दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, अब नीचे कैलकुलेशन आपका है कि आपके स्टार्ट टाइम इतना है, एंड टाइम लंच इतना बजे गया हुआ है और लंच से वापस इतना बजे आया हुआ है जी, और उनकी आवरली रेट इतना है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे आप जी सर, कैसे निकालेंगे, एंड माइनस स्टार्ट और माइनस लंच इन माइनस लंच आउट, हाँ, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा ताकि आपका ग्रोस पीरियड हो जाए, ताकि दूर ना कर लेंगे, आंसर है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है जी, पेमेंट के लिए दोनों को वापस से मल्टीप्लाई कर दिया जी सर। अब डेट को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहा है जी, सर वो नीचे वाली प्रॉब्लम्स थी जो टाइम थी, टाइम की ए जी, तो इसने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है,
दो घंटे 23 मिनट 49 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको बताइए। सर इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? कुछ नहीं, उन्होंने आवर का फॉर्मूला निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, उसमें प्लस कर दिया, नहीं कर ओके क्या उन्होंने दो, उन्होंने क्या किया, दो को स्ट्रैक किया आवर से, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दिया 60, और फिर उन्होंने मिनट से 23 को अलग किया, और सेम ऐसे के लिए उन्होंने ऐसे किया, आवर को अलग किया, 3600 से मल्टीप्लाई किया, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा जी, और इसमें प्लस कर दूंगा आगे ना सर 40 मिनट जी सर, सेकेंड करना होगा तो इसमें 3600 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें जो होगा मल्टीप्लाई बाय 60, और फिर 3 प्लस कर दिया जाएगा जी। ठीक है डेट जी सर, डेट के तरफ डेट को भी आपको समझा ही दिया है जी सर, डेट आपका हुई है डेट, यहाँ पे टाइम वैल्यू था ना एज अ डेट वैल्यू, टुडे नाउ डेट आपका ईयर मंथ डे, अभी इसमें कुछ और फॉर्मूले है जो इसमें दिया हुआ है आपको समझाता हूँ ठीक है जी। सबसे पहले डेट वैल्यू को समझिए, डेट वैल्यू क्या है जी सर, जैसे कि जैसे टाइम को हम डाल देते हैं, हम डेट को मान लीजिए टेक्स्ट में डाल दिया, तो उसको डेट वैल्यू से हम कन्वर्ट करते हैं टाइम, या फिर उसमें प्लस जीरो या मल्टीप्लाई बाय वन कर देंगे फिर भी आपका हो जाता है राइट। अब इसमें बात आती है आपका डेट इन डेट डिफरेंस, अभी आपने ऊपर आपको कि बिटवीन टू डेट्स हम इजीली निकाल सकते हैं माइनस करके, अब इसमें क्या चीज है कि मुझे दो डेट के बीच में कितने मंथ है वो निकालना है, तो उसके लिए वो मंथ ये स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट यो मंथ निकल जाए, नहीं कितने नंबर ऑफ मंथ है ये निकालना है, माफ कीजिए जो गलत हो गया, कितने नंबर ऑफ मंथ ए निकालना है, तो उसके लिए लगाया फॉर्मूला डेट डी आई एफ डेट डिफरेंस, आम करते हैं इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, अब मुझे मंथ निकालना है ओके। अब इसका यूज हम लोग करते हैं किसी की एक कंप्लीट एज निकालना, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 मार्च 2000 ओके 17 मार्च 2000 जी, आज का डेट हो गया, मैं आपकी कंप्लीट एज कितने साल कितने महीने और कितने दिन में जी, तो डेट डीआईएफ लगाऊंगा, उसमें हमने इसको सेलेक्ट करूंगा कॉमा इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे वाई जी, वो आपका ईयर है, वाई को मैनुअली आप इन्वर्टेड कॉमा में भी दे सकते हैं ओके 19 साल हो गया जी, फिर यहाँ पे डेटेड डीआईएफ कर दिया हमने, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हम कर देते हैं, अब मैं यहाँ पे एम कर दूंगा तो एज इन द मंथ आएगा, लेकिन मुझे चाहिए साल के बाद कितना महीना, क्या सर मुझे चाहिए 19 साल के बाद कितना महीना ओके। हमने तो 234 महीना मतलब कंप्लीट मंथ में निकाल दिया, लेकिन मुझे मंथ जैसे यहाँ पे 9 महीना दिया ना सर जी, लेकिन मुझे चाहिए कि 19 साल बाद, 19 साल एग्जैक्ट भी है, 19 साल 3 महीने 4 महीने 10 महीने होंगे जी जी, यहाँ पे वाई आगे लगा वाई ओके के बाद इतना महीना
है वो आपके लिए इशू कर देगा, ओके, 6 महीने, ठीक है। और सेम के लिए लिखेंगे डेटिंग, हमने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, पर यहाँ पे सिर्फ डी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया तो आपका एक डेज आ जाएंगे, एमडी लिखेंगे यहाँ पे फिर, हाँ यहाँ पे एमडी लिखेंगे, तो मंथ के बाद जो दिन है वो आ जाएगा, तो आपकी एज हो गई 19 साल 6 महीने 22 दिन जी। तो ये चीज आपको यहाँ समझाना होगा, ओके सर, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास एक टेक्स का फॉर्मूला, टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेट के फॉर्मेट्स के लिए होता है। जैसे आपने आज का डेट यहाँ डाला तो एक फॉर्मेट बनाता है, तो अपने हिसाब से हम यहाँ फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या इसके हिसाब से यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे कि मुझे इन दोनों फॉर्मेट को आपस में, मान लीजिए दो डेट है तो आपस में कंबाइन करना है जी, तो उसके लिए हम लोग कॉनकेटनेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया इस तरह से स्पेस टू इसको, और फिर हमने तो ये नंबर आ गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपका नंबर, आपका डेट नंबर में स्टोर होता है जी, नंबर ही होता है जी, इसलिए यहाँ पे नंबर हो रहा है। तो हम करेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और डेट के फॉर्मेट के लिए यहाँ पे dd/mm ओके, बस गया। तो ये जो डेट दिया इन द टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया, अब इन्हें कॉन्कैटेनेट को पीछे ड्रैग कर दिया तो मेरा रिजल्ट डेट है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला इस चीज के लिए होता है। एक चीज और भी है, हमने आपको मिनट, जैसे कि टाइम कन्वर्ट करना सिखाया था ना, मुझे 14 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना या सेकंड में कन्वर्ट करना, उस केस में भी टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर हमने एम दे दिया तो मेरा टाइम मिनट में कन्वर्ट, ओके, एस दे दिया तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा जी, जी सर। तो टेक्स्ट फॉर्मूला का ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला आता है आपका एक फॉर्मूला है वीक डे, जी सर। वीक डे फॉर्मूला क्या करता है कि कोई भी डेट हम डालेंगे तो ये वीक का कौन सा दिन है ये बताता है, ओके। जैसे हम यहाँ पे लगाया फॉर्मूला वीक डे, और यहाँ पे एक चीज और भी है, क्योंकि वीक जो है स्टार्ट हर कंट्री का अलग अलग होता है, जैसे गल्फ में जाएंगे तो उनकी वीक स्टार्ट होती है संडे से, इंडिया में से होती है, ऐसे और भी कंट्रीज होंगे, तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आपका वीक कब से स्टार्ट होगा, जनरली कब स्टार्ट होता है यूके यूएसए और इंडिया में, ये वीक कब तीसरा दिन है, ओके। तो ये वीक डे फॉर्मूला आपका देता है, ओके सर। अब इस डेट का आंसर देखने चाहिए, यहाँ पे देखिए डेट वैल्यू से इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, टुडे फॉर्मूला मैंने बताया है, नाउ मैंने बता ही दिया, डेट मैंने बता ही दिया आपको, दोनों के बीच में डिफरेंस ईयर में, मंथ में, डे में, ईयर के बाद कितना है, मंथ के बाद कितना है, ये भी हमने आपको समझा ही दिया जी। और यहाँ पे हम अपना डेट डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट डालेंगे, तो ये आपका ईयर मंथ से अलग किया गया है, और आता है डे ऑफ वीक, किस वीक का कौन सा दिन है, चौथा दिन है, ठीक है जी सर। उसके बाद यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉई नंबर इतना है, स्टार्ट डेट इतना है, ये आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉई जी, ईयर का फॉर्मूला, हाँ ओके सर, ठीक है ना। यहाँ पे ईयर में टुडे आज के साल से ज्वाइन की हुई साल को माइनस कर दिया हुआ जी सर,
आज के साल के लिए उन्होंने टुडे का इस्तेमाल किया हुआ है जी, टुडे से आज का डेट मिल जाएगा, ईयर क्या जाएगा इसका ईयर निकाल देगा, और फिर ये निकालेगा अलग जी। अब इसमें आता है आपका ड्यूज डेट, मान लीजिए कि ये आपका ड्यूज डेट ये आपका 19 सितंबर आ रहा है ना जी सर, 19 इन्होंने क्या किया हुआ रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया हुआ ऐसे ही, ऐसे भी एक ड्यूज ऐसे एक डेट बना दो। ओके, रैंड बिटवीन रैंडम नंबर देता है, तो उन्होंने रैंडम नंबर को माइनस कर दिया आज के लिए। ओके, अब यहाँ पे डेज ऑफ ड्यूज में क्या किया हुआ है कि उन्होंने दो सब कुछ डेट दिया हुआ है उसमें से माइनस किया हुआ है, तो डेट को डेट फॉर्म में डाल फॉर्मूला में जी डेट भी लिख सकते थे जी। 17 जनवरी 2017 का डाला हुआ है और माइनस इन्होंने डेट कर दिया है, नंबर ऑफ डेज आ गया। बताया था कि दो डेट के बीच में अगर माइनस करते हैं तो डेज आता है जी सर। और इन्होंने अपना आपका एज निकालना सिखा दिया है कि एज कैसे निकलेगा, मैंने बता चुका हूँ जी। और ये भी आपका हैंडलिंग डेट डेट निकाला हुआ है, स्टार्ट डेट माइनस एंड डेट। ओके, और इन्होंने यहाँ पे भी प्लस किया हुआ है 10 दिन सब, तो जैसे दिन माइनस करते हैं प्लस कर सकते हैं। जैसे इस डेट में ये जो डेट है आपका, इस डेट में उन्होंने 10 दिन ऐड किया हुआ है, ठीक है जी, तो सिंपल 10 प्लस कर दिया जी सर। अब ये हमारा डेट है, तो ये हमारा मंथ है, ये हमारा ईयर है, ये वीकडे का फॉर्मूला इन्होंने मंथ से मंथ को अलग किया हुआ है, इसमें से ईयर से ईयर को अलग किया हुआ है और डेज को डेज अलग किया हुआ है, और ये बता रखा है ये जो डेट है वो उस वीक का कौन सा दिन है, ये संडे तो नहीं है, संडे इट मीन 7 जी। सिंपल वही फॉर्मूले में रिपीट कर रखे कई बार। अब यहाँ पे की और भी है देखिए, अब आपको जैसे बताया था कि हमारे पास टुडे का फॉर्मूला है, क्या करता है सिस्टम डेट देता है, नाउ का फॉर्मूला है क्या करता है टाइम दे देता है आपका विद डेट, बट टाइम का कोई फॉर्मूला है नहीं जी। जी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास नंबर जो होता है डेट एंड टाइम जो होता है, टाइम डेसिमल होता है और डेट क्या होता है नंबर होता है, तो इन्होंने क्या किया इंट का फॉर्मूला लगाया और इसको डेसिमल को रिमूव कर दिया, फिर विद डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल जी, तो इन्होंने यही पे ये चीज यही पे किया हुआ है, ठीक है। बाकी तो आप समझ जाएंगे। अदर डेट में अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एंड ऑफ मंथ, कि कुछ और चीज एंड ऑफ मंथ मतलब कि मैं कोई डेट डालू उस महीने की लास्ट डेट, क्यों, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो हर महीने की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है जी, तो उन्होंने ईओ मंथ का यूज किया हुआ, देखिए ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ कहा जाता है, डेट डालिए और यहाँ पे इंटरवल डालिए मंथ इंटरवल, जीरो मतलब उसी महीने की चाहिए, वन मतलब नेक्स्ट महीने की चाहिए, टू मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट महीने की चाहिए, और माइनस वन मतलब पिछले महीने की चाहिए, प्लस में आगे की तरफ पड़ेगा और मंथ में पीछे की तरफ पड़ेगा जी सर। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मंथ के लिए वन कर दिया हुआ है जी बिल्कुल, और ड्यू के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने प्लस किया हुआ 45 दिन। इन्होंने बोला हुआ है कि जिस दिन आप शॉपिंग करेंगे समझ गए जी, उसके 45 दिन बाद जो महीना होगा उस महीने की आखिरी दिन जी सर, तो उन्होंने क्या किया डेट में 45 को ऐड कर दिया कॉमा जीरो जी सर। और ये मन समझ में आ गया जी सर। अब आता है इसमें एक चीज और है, वर्क डे एंड वर्क सर आप मुझे एक बार वो ऊपर वाला रिपीट कीजिएगा, ये 45 एंड वाला जी, जैसे कि ये हुआ ना कि मैं इस दिन को शॉपिंग करूंगा तो मुझे पैसा देना है इस महीने इस दिन के 45 दिन बाद के बाद देना है, लेकिन 45 दिन बाद के जो लास्ट डेट है वहां तक देना है, जैसे
मान लीजिए कि आपने शॉपिंग की 1 तारीख को, जी सर, तो आपको 1 तारीख मतलब कि आपने 1 जनवरी को किया, तो आपको 15 फरवरी तक का दूसरा सर्किल है, 45 दिन हुए ना, 130 और 15 45 हुए जी। तो 15 फरवरी नहीं, आपको फरवरी महीने के आखिरी तक का टाइम है, मतलब कि 28 फरवरी तक का टाइम है। ओके, तो ये चीज उन्होंने निकाला है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ईओ मंथ में प्लस 45 कर दिए। सर सर एक बार रिपीट, सर नेट ऑफ हो गया था। देखिए सिंपल समझिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसमें प्लस 45 कर, उसके बाद जो दिन आएगा उस महीने की एंड डेट निकल गई, सिंपल। उन्होंने एक ही साथ फॉर्मूला लगा दिया हुआ है ईओ मंथ, और इसमें उन्होंने प्लस 45 एंड कॉमा 0 कर दिया। ओके, दे रहे जी, तेजी। अब यहाँ पे वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल को समझिए। वर्क डे होता है यहाँ पे आपका नेटवर्क डे भी है और नेटवर्क डे इंटरनेशनल भी होगा। तीन फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला उसको समझ लेते हैं, ठीक है। दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, तो एक तो डिफरेंस है कि आप उसको सिलेक्ट किया और माइनस कर दिया, एक मंथ में निकाल लेंगे, राइट। लेकिन मुझे डिफरेंस चाहिए, वो चाहिए किसमें, कि सैटरडे एंड संडे को छोड़ दे या सिर्फ संडे को छोड़ दे, मतलब एग्जैक्ट वर्किंग डेट चाहिए, समझे। मतलब कि मैंने 1 जनवरी को ज्वाइन किया और 2019 को मैंने आंसर भी ज्वाइन किया। हेलो बहन जी, बहन जी आवाज आई आपको? सर मुझे कोई सुना नहीं इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। ओके सुनिए, मैंने एक जनवरी को ज्वाइन किया और आज मैं रिजाइन कर रहा हूँ जी। तो बॉस ने बोला कि इनको जो है 100 रुपीज पर डे की ग्रेजुएटी दे दिए जाए सैलरी के अलावा, लेकिन उसने बोला है कि 100 रुपीज जो मिलेगा वो मिलेगा जिस दिन वो हमारी ऑफिस ओपन थी, संडे से बैठेगा नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ नंबर ऑफ डेज निकालना है जिस दिन जो वर्किंग था, तो हमारी कंपनी सैटरडे एंड संडे को ऑफ होती है, और उसके अलावा कुछ डेट्स है जैसे कि 26 जनवरी को हमारी छुट्टी थी, हमारा 17 मार्च होली था इसलिए छुट्टी था, हमारा 20 अप्रैल छुट्टी था, हमारा 15 अगस्त छुट्टी था, ऐसे छुट्टी की लिस्ट है। इन सब को काट छाट के मुझे एग्जैक्ट बता रहे कि नंबर ऑफ डेट कितना दिन है जिस दिन ऑफिस ओपन थी। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, नेटवर्क डेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे आप अपने सेलेक्ट कर लें जी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इस सैटरडे एंड संडे को ऑफ कर देगा। ओके, बता देगा कि 201 दिन। ओके, लेकिन मेरी कंपनी सैटरडे संडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे या फिर सिर्फ संडे, ऐसे कस्टमाइज डेट में ऑफ थी जी, उस केस में नेटवर्क डेज डॉट INTL का इस्तेमाल किया जाएगा इंटरनेशनल। ओके, इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और किस दिन छुट्टी थी उसका आप नंबर सेलेक्ट करें, संडे 11 है सिर्फ 11 सेलेक्ट हो गया, लिख दीजिए। सर इसके साथ और कोई ऐड करना हो फिर? नहीं नहीं, आप जो है इसमें की चॉइस ही ले सकते हैं। ओके सर, मैनुअली कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते लाइक मंडे और वेडनेसडे? नहीं, ठीक है। ओके, और फिर आप ना हॉलीडे सिलेक्ट कर, तो ये आपको बता रहे हैं, क्लियर है जी सर। उसी तरीके से मान लीजिए कि आज मैंने एक एक किया है, बैंक में रिक्वेस्ट दिया है, बैंक सैटरडे संडे बंद होती है और बैंक ने बोला मैं 30 दिन का टाइम लगाऊंगा,
देखिए 30 वर्किंग डेट का, तो किस दिन तक हमारा काम हो जाएगा? होता ना, जब आप रिक्वेस्ट देते हैं तो बोलते हैं ठीक है सर, 3 से 5 वर्किंग डे में हो जाएगा। जी सर जी। तो वर्किंग डे वो एग्जैक्ट डेट पता करना है मुझे, डिफरेंस है स्टार्ट डेट है एंड डेट पता करना, जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया और हमने दिया यहाँ पे वर्क डे, वर्क डे हमने इसको सिलेक्ट किया, डेट को सिलेक्ट किया और कुछ छुट्टी का लिस्ट है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे सैटरडे एंड संडे के अलावा। ओके, इससे 2 कमा हो गया, डेट आ जाएगा। सिर्फ संडे संडे या कोई और कस्टमाइज डेट है तो यहाँ पे वर्क डे डॉट आई एन स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेट होलीडे, यहाँ पे होलीडे इसका क्या बोलते हैं पिक ऑफ एंड जी सर, यही चीज आपका जी। तो डेट एंड टाइम हमारा खत्म हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल फिर हम आपके अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा। ओके ओके, बाय बाय सर।